आज लक्ष्मी पूजा है और माता रानी लक्ष्मी जी का पूजा है, तो ये पूजा अक्सर बंगाल में ही होता है और सभी बंगाली लोग इस पूजा को बहुत ही उत्सव से मनाया जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। जैसे हमारे घर में दीपावली होता है उसी तरह से ये लक्ष्मी पूजा हुआ करता है, और यदि ठीक दशहरे के बाद ही पड़ता है तो 2 या 3 या 4 दिन बाद ही पड़ता है दशहरे के, तो इसीलिए गुरु पूर्णिमा के दिन इसे बहुत ही उत्सव और धूमधाम से मनाया जाता है विधि विधान पूर्वक। तो आप देख सकते हैं लक्ष्मी माता यहाँ पर बैठी हुई हैं और लक्ष्मी माता को बहुत ही सुंदर से साड़ी गहने और माला ये सब पहना करके और सजाया गया है, और ये साड़ी का ऊपर से मंडप बनाया जाता है, इस तरह से बनाया जाता है, और ये अल्पना दिया गया है और यहाँ पर यज्ञ भी किया, कलश स्थापना भी की गई है, बहुत ही सुंदर आयोजन किया गया है फ्रेंड्स। और इसमें आप देख सकते हैं कि अभी देखेंगे बहुत सारे प्रसाद भी आयोजन किए जाते हैं, जैसे कि नारियल का लड्डू, खोई, बतासा, मुर्की, नाना रकम के विभिन्न, आपको मैं नाम तो इतना नहीं बता सकती हूँ छोटे से वीडियो में, लेकिन बहुत सारे जितने भी उस समय मौसमी फल और मिठाइयाँ जो भी मिलती हैं आप जितना रख सकते हैं, जितना आपकी सता से मैंने जितना आपको आवश्यकता है उतना आप रख करके और खूब सुंदर से मंडप बना करके और इस पूजा को विधि विधान से किया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ बगल में लोकनाथ बाबा भी बैठे हुए हैं, माँ काली भी हैं, यहाँ पर सब मूर्तियाँ रखी गई हैं और बहुत ही अच्छे से डेकोरेशन को किया गया है और पूजा समापन हो चुकी है, और अभी ये प्रसाद दिया जाता है। यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रसाद बनता है जो कि सिन्नी कहा जाता है, जिसमें दूध, केले और ये सब नारियल ये सब चीज़ों को दे करके मिक्स करके, और जैसे हमारे यहाँ चरणामृत बनता है उसी तरह बनता है। तो बने रहिए वीडियो में, और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोगों का प्यार इसी तरह बना है, माता लक्ष्मी सबके घर की मनोकामना पूर्ण करें।